तो मुझे वो खोलना तो पड़ेगा अवश्य। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक इकोनॉमी के अंदर हम बेसिकली वी हैव टू सेक्टर्स, ठीक है, हम दो सेक्टर्स बनाते हैं। वन इज टर्म्ड एज द हाउसहोल्ड सेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम उसी को डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वी हैव अ टू सेक्टर इकोनॉमी। मोटे तौर पे अगर कोई क्लोज इकोनॉमी भी है, मतलब वो फॉरेन कंट्री से डील नहीं करती है, तो वो टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है। अब देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर्कुलर फ्लो वाला, मैं हमेशा अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में तो बहुत फोकस करता हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इतना इतना प्रैक्टिकल है कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको पूरी नेशनल इनकम समझ में आने लगेगी। यू वोंट हैव प्रॉब्लम इन दैट। जैसे पूरी इकोनॉमी है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी को मैं आपको क्लियर कर दूं, इकोनॉमी डज नॉट मीन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर इट्स अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। तो उस इकोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, दो सेक्टर के लोग रखते हैं, वी कीप पीपल ऑफ टू सेक्टर, दो सेक्टर बांटते हैं। एक हो जाता है हाउसहोल्ड सेक्टर, नॉर्मली आई प्रेफर टू कीप फर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड हाउसहोल्ड ऑन द राइट हैंड साइड, बट वो ऐसा कुछ नॉर्म नहीं है कि ऐसा ही होना है, ठीक है। आप कुछ, ये फर्म हो गया, व्हेन आई से फर्म मींस बिजनेस हाउसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव हाउसहोल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड होते हैं राइट हैंड साइड। तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड के अंदर मैंने आपको उसमें बताया था कि हाउस होल्ड के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, कैसे जो एक वर्कर है जो लेबर का काम कर सकता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक कैपिटलिस्ट है जिसके पास पैसा है, एक जो है उसके अंदर लैंडलॉर्ड है, और एक इसी ढंग से वहां पे एंटरप्रेन्योर है जो इन सबको कंबाइन करता है। ये चारों लोग मिलकर, ये इंडिविजुअली ये लोग हाउस होल्ड का हिस्सा है, और जब चारों ऑल द फोर कंबाइन टुगेदर, ठीक है, ये जब चारों मिल जाते हैं एंड दे वर्क टुगेदर, इट बिकम्स अ फर्म, वो एक हमारी फर्म बन जाती है। तो इंडिविजुअली ये अपनी सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज, और उस फैक्टर सर्विसेज का सबका नाम है। जो जो लेबरर है, जिसके पास जो मेहनत कश आदमी लेबर कर सकता है, वो लेबर अपनी देता है ना। जो कैपिटलिस्ट है, वो जो सर्विसेज देता है, वो उसको कहते हैं कैपिटल की सर्विसेज देता है, ठीक है। और इस ढंग से लेबर हो गया कैपिटल, लैंडलॉर्ड जो है वो लैंड देता, लैंड आई मीन नॉट एग्जैक्टली टेक द लिटरल सेंस ऑफ लैंड, लैंड मींस ऑल द इट बिल्डिंग, हाउस और ऑफिस व्हाटएवर प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड देन जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप देता है। तो एंड देन दे आर ऑल पेड अकॉर्डिंग टू दिस, जो जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। अगर लेबर ज्यादा लेबर देगा तो उसको ज्यादा वेजेस सैलरीज मिलेगी। तो व्हाट लेबर गेट इन रिटर्न ऑफ द लेबर इज वेजेस एंड सैलरीज। तो जो लेबर को पैसा मिलता है, लेबरर को अपनी मेहनत के लिए, दैट इज व्हाट वेजेस एंड सैलरीज। एंड जो कैपिटलिस्ट को मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है, और जो लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो रिवॉर्ड रिटर्न मिलता है फर्म से, इसको हम कहते हैं फैक्टर पे। इस फैक्टर पेमेंट से ये पैसा आ गया हाउसहोल्ड्स के पास, ये पैसे से हाउसहोल्ड्स खुद सामान खरीदने जाते हैं, खुद अपना सामान खरीदने जाते हैं। दे पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दे पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने बनाया, और उसके बदले जो फर्म्स हैं, फर्म्स सप्लाई देम दी गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करती हैं, फर्म्स उसके बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर दो तरह का फ्लो हो रहा है। मैंने आपको फिर ये चीज बताई थी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्लोस दैट आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी, वन इज कॉल्ड एज अ रियल फ्लो, द अदर इज कॉल्ड एज अ मनी फ्लो।
ठीक है, एक रियल फ्लो है, एक मनी फ्लो। तो वन इज कॉल्ड रियल फ्लो और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया है दैट इज द मनी फ्लो। ग्रीन में दिखा रहा हूँ फैक्टर पेमेंट्स, वो जो है मनी फ्लो, ठीक है, वो मनी फ्लो, ठीक है। तो दे आर गिविंग पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का वो पेमेंट करते हैं एंड देन दे गेट गुड्स एंड। तो ये दो तरह के फ्लो है, ठीक है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ, रियल फ्लो क्या होता है, इज द फ्लो ऑफ goods and services and the money flow is the flow of money. तो ये दो फ्लो आपको देख रहे हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है इसको हम नेशनल इनकम में क्यों पढ़ रहे हैं एंड व्हाई वी आर स्टडीिंग दिस एंड हाउ डज इट हेल्प अस टू सर। हां या प्लीज सर नो, सर हाउस होल्ड रियल फ्लो कर रहे हैं कि फ्लो? दोनों 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 हाउसहोल्ड्स रियल फ्लो किस चीज का कर रहे हैं, वो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो रियल फ्लो है, और जो उनको गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से मिल रही है वो भी रियल फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो इज बोथ, हाउसहोल्ड्स का जो गुड्स एंड सर्विसेज वो दे रहे हैं, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो रियल फ्लो है हाउसहोल्ड से फर्म को, और फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। और सर मनी फ्लो? मनी फ्लो पेमेंट है ना, जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दी है फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले जो फर्म उनको पैसा दे रही है वो फैक्टर पेमेंट मनी फ्लो है, और वो जो वो पैसा दे रहे हैं पेमेंट वो मनी फ्लो है। तो मनी फ्लो दोनों से हो रहा है, दोनों के बीच में वो, तो इसीलिए तो इसको जो मनी फ्लो, अगर मैं मनी फ्लो को ले लूं तो ये मनी फ्लो ऐसे घूमता रहता है, इट गोज ऑन लाइक दिस। हाउसहोल्ड्स, ऐसा नहीं कि हाउसहोल्ड्स, मैंने आपसे कहा था कि हाउसहोल्ड जो सर्विसेज दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार सर्विसेज देंगे, ठीक है, हाउसहोल्ड सर्विसेज बार बार देंगे, वो रोज काम करेंगे, दे विल गो टू ऑफिसेस डेली, दे विल गो टू फैक्ट्रीज डेली, दे विल वर्क इन द फर्म डेली, उनको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, हर दिन तनख्वाह मिलेगी, और हर दिन वो उसको खर्च करेंगे, हर दिन खर्च करेंगे तो हर वो पैसा रोज फर्म में जाएगा, और फिर वो जब काम करेंगे तो फिर पैसा आएगा। तो ये एक कंटिन्यूस सर्कल है, एंडलेस, ये कंटिन्यूस है एंड इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर स्टॉप्स, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन and it has been going on for ages and it will continue for ages, there is no doubt about it, ठीक है। अभी भी अगर इकोनॉमी में लॉकडाउन लगा है तो कहीं ना कहीं तो ये फ्लो हो ही रहा है, still this flow is happening whether it is online or whatever, the flow is this never stop as long as people are meeting their needs and wants and by earning something this flow will continue, the flow will continue। तो वो पेमेंट करेंगे तो ये फ्लो दोनों ढंग से होगा, हाउसहोल्ड से फर्म, फर्म से हाउसहोल्ड, ठीक है। Is this okay? तो ये दोनों हो रहा है। अब हम सिर्फ मनी फ्लो अगर मैं रखता हूं तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि पैसा जो है एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है, मनी नेवर स्टॉप्स, एंड कहते हैं ना मनी नेवर स्लीप्स, दिस इज द व्हाट द मनी नेवर स्लीप्स, इट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, एक से दूसरे को जा रहा है, दूसरे से हाउस होल्ड से फर्म को, फर्म से मनी गोज ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, तो वो वापस, और ये सर्कुलर चलता रहता है, हम उसको देते हैं फिर हमको मिलता है, फिर हम उसको देते हैं फिर हमको मिलता है, ऐसे ये चीजें चलती रहती है। इज दैट ओके? यस सर। अब सवाल उठता है कि एटलीस्ट व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस इन नेशनल इनकम, या हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अब हम इस चीज को आगे समझते हैं। अगर मैं जानना चाहता हूं कि इस इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना फ्लो हो रहा है, कितना टोटल फ्लो हो रहा है, और इस इकोनॉमी का जो टोटल फ्लो है मतलब मनी टर्म्स में कितनी सर्विसेज इन्होंने दी, इनको कितना पेमेंट मिला, इन्होंने कितना खर्च किया, इनको गुड्स एंड सर्विसेज कितने मिले, वो जब फ्लो की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ उसी को हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी and that is valued in terms of money, GDP in terms of money. वो इसका मतलब जो इन्होंने पेमेंट किया है गुड्स एंड सर्विसेज का और जो इनको पेमेंट मिला है गुड्स एंड फैक्टर पेमेंट्स का, it has to all equal. यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं बनाता हूँ इधर में फॉर्म,
एंड हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स ने फैक्टर पेमेंट्स किया, सॉरी सॉरी फैक्टर पेमेंट ये थोड़ी करेंगे हाउसहोल्ड, फर्म करेंगे, फैक्टर सर्विसेज दी एंड मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूं, इन्होंने फैक्टर पेमेंट्स किया। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, हाउसहोल्ड्स ने जो लेबर दी वो मान लीजिए 100 रुपए की लेबर दी, मतलब इन्होंने जो कैपिटल दी उसकी उसका जो उसकी जो वैल्यू है जो कैपिटल के बदले इनको रिटर्न मिलना है वो भी 100 रुपीज का है, मतलब इंटरेस्ट। इन्होंने जो वो अपनी लैंड दी है उसका रेंट भी करीब करीब 100 हो रहा है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी वैल्यू भी 100। तो अगर इन्होंने 400 रुपीज की फैक्टर सर्विसेज दी है तो इनको फैक्टर पेमेंट भी 400 का मिलेगा, इनकी इनकम हो गई 400। अब ये 400 रुपीज वो लेकर मार्केट में जाएंगे और वो पेमेंट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे 400 रुपीज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कितना करेंगे 400 रुपए। तो इसके बदले में फर्म्स जो इनको पेमेंट करे वो जो इनको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे वो भी गुड्स एंड सर्विसेज भी 400 की। तो हम क्या देख रहे हैं, दिस फ्लो इज ऑलवेज सेम। अब देखिएगा इसमें होता क्या, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो दिस ऑल इज इक्वल, तो मैं कहूंगा इस इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो 400 रुपीज। अभी यहां पर एक काम होता है कि यहां पर एक बैंक आ जाती है, जब मैं बैंक कह रहा हूँ आई मीन बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम, आई डोंट मीन बैंक पर से, आई मीन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक्स भी आती हैं, स्टॉक मार्केट भी आता है और इनफॉर्मल प्राइवेट सेक्टर सब कुछ आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम्स के क्या मतलब, फाइनेंशियल सिस्टम से आप सेव कर सकते हो पैसा। तो हाउस होल्ड को जो 400 रुपए की इनकम हुई, हाउस होल्ड ने कहा सारा नहीं खर्च करेंगे, उन्होंने 20 रुपए सेविंग में डाल दिया, फाइनेंशियल सिस्टम में रख दिया बचा के। इसका मतलब हाउसहोल्ड जब पेमेंट कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज का तो 380 का कर पाएंगे। फर्म के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आएगी वो 380 की आएगी, 380 की फर्म के पास डिमांड आएगी, तो फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज देंगे वो 380 का देंगे। फर्म की अब क्या स्थिति बनेगी, फर्म ने जो प्रोडक्शन किया था वो तो 400 का किया था, फैक्टर सर्विसेज 400 की ली थी और 400 का उन्होंने पेमेंट किया था हाउस होल्ड को, तो उन्होंने प्रोडक्शन तो 400 का किया था लेकिन उनका सामान जो है वो बिका जो है वो सिर्फ 380 का बिका, प्रोडक्शन जो है वो 400 का, सर्विसेज बिकी 380 की। तो फर्म कहेंगी कि भाई 20 रुपए का स्टॉक हो गया हमारे पास, बिकी नहीं रहा सामान, इकट्ठा हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब फर्म प्रोडक्शन करेंगी तो नेक्स्ट टाइम वो बोलेंगी कि भाई हमें 400 रुपए की फैक्टर सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 380 की दे दो, 20 तो बचा हुआ है, 380 का भी बना था और 20 बचा हुआ है, तो चलो 380 का बिका था और 20 बचा हुआ, तो अब हमें सिर्फ 360 की दे दो, 360 की। वो कहेंगी हमें 360 की सर्विसेज चाहिए, आपको हम लेबर घटा देंगे, कैपिटल कम चाहिए भैया, 2 लाख लगा रखी है अब 1.5 लाख से काम करेंगे, लैंड हमने 2 एकड़ ले रखी है, हमने कहा 1.5 एकड़ 1 एकड़ में काम करेंगे, है ना, हमने सब चीज कम कर दी। इसको कहते हैं इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन द कंट्री, ठीक है, जो हमारे कंट्री में अभी जो हो रहा है वो यही हो रहा है, समझ रहे हैं आप, देखिए कैसे हो रहा है, पीपल आर स्केयर टू स्पेंड मनी, लोग खर्च नहीं कर रहे, जब लोग खर्च नहीं करेंगे पेमेंट नहीं करेंगे तो फर्म के पास पेमेंट नहीं आएगा, तो फर्म क्या करेंगे अपना प्रोडक्शन कम कर, तो फर्म ने अपना प्रोडक्शन घटा दिया 360 का, अगली बार फैक्टर पेमेंट्स 360 का। अब हाउसहोल्ड्स की इनकम 300 400 से घट के 360 हो, इनकम इज रिड्यूसिंग, इसका मतलब कंट्री का जीडीपी गिर रहा है, जीडीपी 400 रुपीज से 360 पे आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इकोनॉमी इज रिड्यूसिंग,
प्रोडक्शन गिर रहा है, लोगों की इनकम गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, ये सारी कहानी चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले 400 का प्रोडक्शन था, अब 360 का। अब क्या होगा? अब अगर 360 में भी हाउस होल्ड स्केर्ड है स्पेंड करने के लिए एंड दे से आई वी आर सेविंग 20 रुपीज अगेन, तो फिर वो जब मार्केट में जाएंगे वो कहेंगे हम 340 खर्च करेंगे। फर्म्स ने 360 का प्रोडक्शन किया था लास्ट टाइम, अब 340 का बिक गया तो उनका क्लोजिंग स्टॉक फिर से बढ़ गया 20 और सेल हुई है 340। उन्होंने 340 के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दी। फर्म कहेंगी कि भाई स्टॉक इकट्ठा हो रहा है एंड देन नेक्स्ट टाइम दे विल रिड्यूस देयर प्रोडक्शन फर्दर से 340 320 व्हाटएवर इट इज। फिर वो फैक्टर पेमेंट, इकोनॉमी इसको कहते हैं, इकोनॉमी इज गेटिंग इनटू रिसेशन, मंदी मंदी आ रही, मंदी प्रोडक्शन इनकम इकोनॉमी की 400 360 340 इकोनॉमी इज रिड्यूसिंग इट्स जीडीपी, इकोनॉमी का डिक्लाइन हो रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? सवाल ये, क्या आप हाउसहोल्ड से बोलोगे भैया सेव मत करो? वो तो सेव करना है, अच्छी बात है। इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपसे एक बार क्लास में डिस्कस किया था कि जो बात इंडिविजुअल लेवल पे सही होती है वो कई बार मैक्रो लेवल पे सही नहीं होती। इंडिविजुअल लेवल पे चलेगा, कोई दिक्कत, लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी को देखेंगे वो सही नहीं। तो सेविंग इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए सेव, यू शुड सेव, बट मैक्रो लेवल पे सेविंग इज नॉट डिजायरेबल। अमेरिकन इकोनॉमी बिलीव्स इन स्पेंडिंग स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग, वो उनको ऐसा ऐसा दिया जाता है, ठीक है। वहां पे जो क्राइसिस कभी कभी आती है एंड व्हाई दे से कॉल देमसेल्व्स सो डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज़ दे डोंट कीप मनी, दे डोंट सेव, दे जस्ट स्पेंड। इंडियंस आर बेसिकली मोर सेविंग पीपल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने हैं, इंडिया चाइना एंड ऑल इंडोनेशिया, ये जितने उधर के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे डोंट बिलीव इन सेविंग मच, उनको ऐसा सिखाया गया यू स्पेंड मोर। तो सेविंग करने के लिए हाउसहोल्ड को हम मना नहीं कर सकते। तो क्या होगा पता है? द फाइनेंशियल सिस्टम ने ये जो सेविंग है, ये जो सेविंग है, फाइनेंशियल सिस्टम हैज टू गिव बैक टू द फर्म्स इन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ लोन। जो हाउसहोल्ड सेव कर रहे हैं पैसा, वो पैसा अगर फाइनेंशियल सिस्टम से फर्म के पास चला जाए लोन की तरह, अगर इनके पास 40 रुपए आए और इन्होंने 40 रुपीज जो है फर्म को लोन दे दिया, तो फर्म को 360 रुपीज हाउसहोल्ड से मिला और 40 रुपीज लोन मिल गया। तो इन दिस केस व्हेन दे गेट दिस एज लोन, है ना, 40 रुपीज का लोन मिल गया और 360 का हाउसहोल्ड से आया, तो फर्म के पास फिर से 400 रुपीज हो गए, तो फर्म के पास फिर से 400 रुपीज, फर्म के पास फिर से 400 हो गए। नाउ फर्म के पास फिर से 400 हो गया, तो फर्म फिर 400 का प्रोडक्शन करेंगे, दे विल प्रोड्यूस 400 रुपीज अगेन। सो इकोनॉमी श्रिंक नहीं होगी, इकोनॉमी उसी लेवल पर फ्लोट करती जाएगी। तो इकोनॉमी का जीडीपी गिर नहीं रहा है, बाकी इट इज मेंटेन्ड एट द सेम लेवल, इट इज मेंटेन्ड एट द सेम। एनी क्वेश्चंस इन दिस? तो हाँ सर, मतलब बेसिकली अगर वो लोग फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो उन लोगों को लोन देता है फर्म्स को, बट सर बट उसके बाद में भी वो जो हाउसहोल्ड है वो स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं है, वो लोग लोन तो ले लेते हैं बट फिर उतना वो प्रोडक्शन भी वेस्ट जाता है, उसके बाद में क्या होगा इकोनॉमी को? देखिए क्या होता है कि इसमें एक थॉट ऑफ प्रोसेस, एक स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप जब इकोनॉमीज को एनकरेज करते हैं स्पेंड करने के लिए, जब प्रोडक्शन उतना होगा, देखिए क्या होता है कि जब फर्म्स उतना प्रोडक्शन करेंगे, जस्ट
ओके व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सिंपली से कि जो फर्म्स जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जब वो फर्म प्रोडक्शन उतना करेंगी तो वो उतना फैक्टर पेमेंट करेंगी. सपोज इवन दो तो अल्टीमेटली जब वो 400 का प्रोडक्शन करेंगी तो वो 400 की इनकम भी देंगी, पेमेंट भी करेंगी. तो जब वो 400 का पेमेंट करेंगी तो हाउस होल्ड की जब 400 की इनकम होगी तो हाउस होल्ड अगर थोड़ा बहुत सेव भी करेगा तो भी वो 360-380 का तो खर्चा करेगा ही करेगा. तो इकोनॉमी जो है इसलिए देखा जाए तो आपको ये चीज क्लियर करनी है, बात सही है. इसीलिए एक एक चीज होती है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एक इंडेक्स होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है. तो अगर आप कंज्यूमर का अपने पर और इकोनॉमी पे भरोसा दिलाते हैं तो गवर्नमेंट को फर्म्स को लोन देने की, फाइनेंशियल सिस्टम को लोन देने के साथ साथ इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना पड़ेगा कि पीपल स्पेंड मनी. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका इज डूइंग राइट नाउ. अमेरिका वाज वर्स्ट अफेक्टेड इन द फर्स्ट फेज, नाउ इंडिया इज द वर्स्ट अफेक्टेड. अमेरिका वाज द वर्स्ट अफेक्टेड इन द फर्स्ट फेज. अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने स्टिमुलस चेक दिया अपने लोगों को. आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा शायद $1500 या $6000 समथिंग समथिंग है ना. उन्होंने हर $1400 तो $1400 का उन्होंने हर सिटीजन को चेक दिया. अब इसकी खैर इसकी अलग बात है कि लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज दिस एंड लॉट ऑफ पीपल वर इन फेवर ऑफ दिस है ना. अभी मैं आपको ज्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, कल परसों की बात कह रहा हूँ ठीक है. आई वॉज टॉकिंग मैं आई एम प्लानिंग कि मैं उनका एक उन एक आई सी धींगरा करके एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाउ इज रिटायर्ड. उनकी बुक्स भी आती हैं, उनके कॉलेज लेवल में बुक्स बहुत चलती हैं. इस उनकी 11-12 की बुक्स आती थी लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं चलती है. बाकी ही इज इनटू द बोर्ड जो सीबीएसई में आपके इकोनॉमिक्स वगैरह के ऊपर पेपर सेट होता है जो सैंपल पे बनता है उसके बोर्ड में भी है. बट ही इज नॉट वेरी वेरी ओल्ड और है ना. तो उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे, मैं उनका एक सेशन कराऊंगा कभी कि व्हाट इज गोइंग टू द इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन द इंडियन इकोनॉमी. ही वाज टेलिंग मी कि इफ यू हैव अ चॉइस, ऐसे उनका फोन आया कल परसों बताने लगे कि अभी क्या होगा, कैसे क्या होगा इकोनॉमी में. तो ही सेड कि अभी जो आरबीआई के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स विल हैव टू गो आउट. आपको वैक्सीन इंपोर्ट करनी है, आपको दवाइयां लानी है, आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने हैं. So government will have to spend a lot of money. Now when you have to spend a lot of money, where the money is going to come from? You'll have to print the money. आपको पैसा छापना पड़ेगा. और कहाँ से आएगा? आप लोन लेते हो तो लोन चुकाना पड़ेगा. लोन चुकाना पड़ेगा तो ब्याज इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी. जब इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी तो आपको उतनी इनकम करनी पड़ेगी, तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे. तो वो एक आप लोन तो नहीं ले सकते. लोन एक लिमिट पे ले सकते हैं. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक लोन, गवर्नमेंट लोन लेना चाह रही है लेकिन एक लिमिट. सेकंड थिंग इज कि दूसरा तरीका है यू प्रिंट मनी. जब आप नोट छापते हैं यू प्रिंट करेंसी, इट ब्रिंग्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. तो उनका एक टर्म था, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इज द लेसर डेविल. इन्फ्लेशन जो है वो उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़े दुश्मन दूसरी चीजें, डेविल है. दूसरी चीजें क्या, अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों के पास में पैसा नहीं है खाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट है. ये परेशानियां ज्यादा बड़ी हैं रादर देन इन्फ्लेशन. तो यू कैन अफोर्ड टू हैव इन्फ्लेशन. दिस इज एग्जैक्टली आल्सो हैपनिंग इन द अमेरिकन इकोनॉमी. अमेरिका ने क्या किया, जो स्टिमुलस चेक दिया, स्टिमुलस चेक देने के लिए पैसा चाहिए ना, लोगों को आप पैसा बांट रहे हो है ना. ये कुछ ऐसी बात हुई कि हर एक के खाते में, अमेरिकन के खाते में जो वो कह रहा $1400 खाते में आ गए, अभी खाते में आ गए $1400 सबके. तो कहीं से तो पैसा आया होगा. तो गवर्नमेंट ने कोई अपने खर्चे थोड़ी कम किए. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के अमेरिकन फेडरल बैंक ने डॉलर्स को प्रिंट किया, डॉलर छाप दिए. उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी का. तो देश है कि इन्फ्लेशन इज अफोर्डेबल, इन्फ्लेशन चल जाएगा. बट लोग जो परेशान होंगे अगर नहीं देंगे पैसा तो वो कैसे चलेगा. सेम थिंग, सेम थिंग. अगर मुझे इस इकोनॉमी को सस्टेन करना है, आई वॉन्ट दिस इकोनॉमी टू सस्टेन, हाउस होल्ड शुड एंड शुड गेट मनी. हाउस होल्ड के पास इनकम आनी चाहिए. नॉट ओनली अमेरिका बट अदर कंट्रीज ऑल्सो.
मैं भूल रहा हूँ, फ्रांस ने किया या नॉट, जर्मनी डिड नॉट हैंडल दैट वेल, बट कुछ कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने क्या किया कि इवन दो द लॉकडाउन वॉज देयर, उन्होंने फर्म्स को सपोर्ट किया जिससे कि फर्म्स सैलरीज स्टाफ की देते रहे, दे डोंट ले ऑफ पीपल, वो लोगों को निकाले नहीं जॉब से और लोगों को सैलरीज देते रहे। उससे क्या हुआ, हाउस होल्ड्स की इनकम बनी रही, गवर्नमेंट ने फर्म्स को सपोर्ट किया जिससे कि वो अगर ये प्रोडक्शन नहीं भी कर रही है, इनका माल नहीं भी बिक रहा है सामान, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर गुड्स, बट स्टिल दे मेक द फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स। उससे क्या हुआ, हाउस होल्ड्स वॉज गेटिंग द इनकम, उससे इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई, इकोनॉमी का जीडीपी नहीं गिरा, दे वर एबल टू सस्टेन द जीडीपी। सो टेक्निकल थिंग, कितनी अच्छी बात, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ये इतना ब्यूटीफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको लगता है यार ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग, इफ यू गो इनटू इट, नो ना, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये चीज हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस। तो दे मेड श्योर दैट द हाउसहोल्ड्स डू गेट इनकम, एंड व्हेन द हाउसहोल्ड्स डू गेट इनकम, इवन इफ, जो हिमांशु कहना है, इवन इफ द हाउसहोल्ड्स आर लिटिल स्केयर्ड टू स्पेंड मनी, बट सारे थोड़ी होंगे, और सबको मिल रहा है पैसा और लगातार मिल रहा है उनको, पिछले महीने मिला, इस महीने मिला, नेक्स्ट मंथ भी मिलने की पूरी चांसेस है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हाउस होल्ड कहेंगे ठीक है यार खर्च करो ना, व्हाट शुड वी नॉट स्पेंड, दे विल स्पेंड, दे विल नॉट कंटिन्यूअसली स्टॉप स्पेंडिंग। तो जो स्टिमुलस चेक आया वहां पे अमेरिका में, तो उससे क्या हुआ, एकदम से कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ गई मार्केट, व्हाई पीपल वेंट आउट टू स्पेंड मनी, एंड व्हेन दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी definitely GDP increased, companies ने production बढ़ाया, and the economy was able to float. तो अभी हम जो देख रहे हैं world over, except India, world over जो economic revival दिख रहा है, world की जो economies हैं वो वापस से track पे आ गई। वो अलग बात है जो आ रही हैं, they are coming at a higher value मतलब lower money value and higher production मतलब cost ज़्यादा cost पे आ गई, मतलब inflation बहुत ज़्यादा है world over। लेकिन इकोनॉमीज में लोगों के पास में मनी है टू सस्टेन देमसेल्व्स, तो समटाइम्स इफ यू हैव टू इज अ फाइट बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, व्हेन देयर इज अ फाइट ऑफ रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, वी प्रेफर टू गो फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन। हमें लगता है कि महंगाई तो चल जाएगी, अने गाना है ना वो क्या है, महंगाई डायन मार जाएगी, बहुत अच्छा वो बनाया उसको उन्होंने सरकास्टिक, बट द पॉइंट इज कि जो इन्फ्लेशन है दैट पीपल फील और द गवर्नमेंट फील कैन बी एकोमोडेटेड रादर देन अदर थिंग्स इन द सोसाइटी। तो ये ऐसे होता है, तो आप फर्म टू फर्म्स लोन दिया जाएगा फर्म्स को, एंड द फर्म्स वुड बी if they continue their production and they continue to make payments, factor payments, तो demand will generate, demand will generate, लोगों के पास income आएगी, पैसा होगा, तो demand तो आएगी। Is that okay? Any questions, anything further here? किसी को कोई और चीज पूछनी है? तो ये हमारे पास क्या होता है, ये जो financial system है, इसीलिए हम economics में एक चीज कहते हैं कि जो savings होती है, सेविंग्स आर लीकेजेस, वो पूरी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देती है, एंड लोन्स बोरोइंग्स, उसके बदले में जो लोन दिए जा रहे हैं, बोरोइंग्स दिए जा रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज इंजेक्शंस, दे एक्सप्लोड द इकोनॉमी, एक्सप्लोड कर देती है। ये तो मैंने आपको फाइनेंशियल सिस्टम का बताया, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, दैट इज फर्म एंड हाउस होल्ड्स। फैक्टर पेमेंट सर्विसेस, फैक्टर पेमेंट्स, ₹400 की सर्विसेज दी, इनको ₹400 का पेमेंट हुआ। अब एक इस इकोनॉमी का दादा आ गया, दादा मतलब डॉन, डॉन मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ओके, डॉन ऑफ द इकोनॉमी। ये डॉन कहता है
कि तुमने जो कमाया है ना उसमें मुझे हिस्सा चाहिए, आई नीड अ शेयर इन व्हाट यू हैव अर्न. तो डॉन सेज गिव मी टैक्सेस. तो द डॉन हैज फोर्स द हाउस होल्ड टू पे टैक्स. हाउस होल्ड ने 20 रुपीज का टैक्स दे दिया. नाउ इफ आई टॉक ऑफ द मनी फ्लो, अब हाउस होल्ड के पास में जो गुड्स एंड सर्विसेस खरीदने के लिए पैसा बचेगा दैट इज 380. तो इसके बदले में जो ये गुड्स एंड सर्विसेस फर्म दे पाएंगी दैट इज 380. इन्होंने प्रोडक्शन किया 400 का, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दी 380 की. तो 20 रुपए का स्टॉक इन्वेंट्री इकट्ठा हो गया फर्म्स के पास एंड दे आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 380. नाउ व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, हाउसहोल्ड्स जिन्होंने 400 अर्न किया था, now they are able to only spend 380 because government has taken away 20 rupees as taxes. Government ne 20 rupees ka tax unse just 20 rupees ka tax unse le liya. So they are able to spend 380. Next time firms apna production kam kar dengi. जब कम करेंगी तो कम फैक्टर पेमेंट करेंगी, जब कम फैक्टर पेमेंट करेंगी तो फिर गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, तो इकोनॉमी अगेन टैक्सेस से इकोनॉमी श्रिंक होना स्टार्ट होगी. तो टैक्सेस अलोन श्रिंक द इकोनॉमी. अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जो 20 रुपए उन्होंने हाउस होल्ड से लिया है, अगर गवर्नमेंट खुद फर्म के पास जाए और वो 20 रुपीज वो उसने जो लिया वो खर्च कर दे, तो फर्म्स के पास 380 हाउस होल्ड आ जाएगा, 20 गवर्नमेंट आ जाएगा, फर्म फिर से 400 का प्रोडक्शन करेगी. फर्म विल अगेन पे 400 टू द हाउस होल्ड, अगेन हाउस होल्ड के बाद 400 आएगा और हाउस होल्ड जो है 20 रुपीज का गवर्नमेंट को टैक्स देंगी और 380 खर्च करेंगी और गवर्नमेंट 20 खर्च कर देगी, तो फिर से फर्म प्रोडक्शन, तो इकोनॉमी विल कंटिन्यू लाइक दैट, चलती रहेगी. देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. सो हाँ तो सर फिर हायर टैक्स रेट्स का लॉजिक क्या रहता है बेसिकली, मतलब अगर हर एक के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सेस बनाती है, जबकि प्रोडक्ट और सर्विस का बेसिक रूल तो इसी हिसाब से चलता है कि हाउस होल्ड लेता है तो सर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 12%, 18%, 28%, तो इसके पीछे फिर क्या लॉजिक रहता है, सबके लिए तो सिंपल टैक्स रखना चाहिए और 28% 1/4 से भी ज्यादा टैक्स. ओके वो थोड़ा सा एरिया एक अलग है लेकिन ठीक है मैं समझा रहा हूँ इस पॉइंट को, बस यहाँ पे कह दूं जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो व्हेन आई विल से दिस टर्म पब्लिक एक्सपेंडिचर तो आप ये समझ जाइए गवर्नमेंट का खर्चा, और जो हाउस होल्ड खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और लेकर आई विल डाइवर्ट दैट. ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लिए हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर अपना मेंटेन करना पड़ेगा. जो हिमांशु का क्वेश्चन है दैट इज ऑन टैक्स डिफरेंशियल, जो टैक्स का डिफरेंसेस है वो क्यों होते हैं, वो मैं उसको वो एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स व्हिच इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी उसके ऊपर है वो, आई विल टॉक ऑफ दैट. तो ये गवर्नमेंट जो खर्च करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये बस पॉइंट एक खत्म कर देता है. तो अगर गवर्नमेंट ने 20 रुपीज टैक्स लिया और गवर्नमेंट ने 20 रुपीज का ही खर्चा कर दिया तो गवर्नमेंट का बजट जो है बैलेंस्ड है, 20 रुपए इनकम 20 रुपए खर्चा, बराबर परफेक्ट. कितनी अच्छी सरकार, कुछ नहीं फालतू का खर्चा करती, जितना इनकम उतना खर्चा. बट उसकी वजह से इकोनॉमी हमारी स्टैग्नेंट है. स्टैग्नेंट माने जहां है वही है, 400 का प्रोडक्शन मतलब 400, इकॉनमी ग्रो भी नहीं हो रही, इकॉनमी नीचे भी नहीं जा रही, मतलब फोर्सी में चल रही. बट इकॉनमी हैज टू ग्रो. व्हाई द इकॉनमी शुड ग्रो, ग्रोथ क्यों जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड्स बढ़ रही है, लोगों को ग्रोथ दिखनी चाहिए, नए नए लोग और इकॉनमी. अगर पॉपुलेशन भी उतनी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, मोर पीपल आर कमिंग इन द मार्केट, ले काम करने के लिए भी आ रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए भी आ रहे हैं, उनको भी देना है. तो अगर हम इसको इकोनॉमिक्स में एक आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कहा है कि इसको आप ऐसा मान लीजिए
जीडीपी इज अ पीस ऑफ केक, जीडीपी एक पीस ऑफ केक है आपका, ठीक है, एक केक के तौर। अगर हमारे पास जितने लोग हैं उनमें उसको शेयर होना है, और अगर वो जो लोग हमारे बढ़ते हैं, इफ द पीपल इंक्रीज द केक साइज शुड ऑल्सो इंक्रीज, तो जीडीपी शुड इंक्रीज सो दैट एवरीबडी कैन बी फेड। इफ एवरीबडी कैन नॉट बी फेड इट डजंट सर्व द पर्पस। सो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द साइज ऑफ द केक शुड ऑल्सो इंक्रीज, सो दैट अगर हम उतना ही ले जितना हम पहले ले रहे थे तो भी साइज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोग बढ़ गए, है ना। अभी चार लोग थे इकोनॉमी के अंदर, अब छह हो गए, तो अगर पहले सब एक छोटा इतना इतना पीस ले रहे थे केक का, अभी उतना उतना पीस भी लेना है तो भी हमें प्रोडक्शन जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके छह के छह को मिलेगा। और जितना पहले ले रहे थे अब लोगों का उतने से काम नहीं हो रहा, उनको भी बड़ा पीस चाहिए, तो जो है उनको बड़ा पीस चाहिए और नए लोग भी आ गए, तो द केक साइज हैज टू इंक्रीज, दैट इज जीडीपी। तो सेम थिंग हियर, अगर इकोनॉमी हमारी 400 की थी, 400 रुपए की, तो 400 ही चल रही है, तो इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस। तो गवर्नमेंट क्या करती है पता है, गवर्नमेंट बोरोज मनी, गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम लोगों से टैक्स ले रहे हैं 20 रुपए का, लेकिन हम करेंगे खर्च 40 रुपए। तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर, इसको कहते हैं डेफिसिट, इसको कहते हैं डेफिसिट, जस्ट हाँ इसको ये इसको कहते हैं डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट में चलती है, उससे होता क्या है कि जब गवर्नमेंट 40 रुपए खर्च करेगी तो फर्म के पास 420 रुपए आ जाएंगे, 380 हाउसहोल्ड से, और प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज 380 एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इज 40, तो 420 आ जाएंगे। तो इकोनॉमी अब 420 का प्रोडक्शन करेगी, तो पहले 400 थी 420 होगी, डेफिसिट चलेगा डेफिसिट। फिर गवर्नमेंट कहती है अगली बार और बढ़ा देती है 60, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर 60, तो इकोनॉमी 440 पे आ गई। तो व्हाट हैपेंस, गवर्नमेंट जो डेफिसिट है, डेफिसिट का बजट बनाकर खर्चा ज्यादा करके इकोनॉमी को ग्रो करती जाती है। अब सवाल उठता है ये पैसा आता कहां से, आपकी इनकम 98 खर्चा रुपया, इनकम गवर्नमेंट की है 20 रुपए की और खर्च गवर्नमेंट 60 रुपए कर रही है, तो कहां से आएगा 40 रुपए। उसके लिए गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट से या तो लोन ले, IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन कंट्रीज, और या फिर नोट प्रिंट करे, नोट प्रिंट करेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। लोगों के पास ये भले ही 440 का प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन लोग कहेंगे यार 440 में भी उतना ही सामान आ रहा जितना पहले 400 में आता था, तो इकोनॉमी दिखेगी ग्रो कर रही है, बट इकोनॉमी विल नॉट एक्चुअली ग्रो इन रियल टर्म्स। प्रोडक्शन तो वही है, वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, आपने नोट छाप दिए। इसलिए बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड इज कंसिडर्ड गुड, और इसका एक सब्स्टिट्यूट ये है कि आप लोगों से बोरो मत करो, आप बाहर वालों को, फॉरनर्स को लालच दे दो कि आप हमारी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करो, आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, आप हमारे यहाँ कारखाने खोलो, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो FDI होता है वो एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज, हर सरकार को FDI चाहिए, क्या विदेशी लोग आके हमारे यहाँ कारखाने लगा रहे, उससे क्या होगा, कुछ तो तनख्वाह यहाँ बचेंगी, कुछ पैसा वो ले जाएंगे बाहर, ले जा भाई, लेकिन कुछ अगर आपने 100 रुपए कमाए आप मान ले 40 ले जाओ तो 60 तो देके जाओगे, तो हमारी इकोनॉमी कुछ तो ग्रो करेगी। हमारे पास तो है नहीं पैसा, हम तो 400 पे घूम रहे, हम चाहते हैं तो वी एनकरेज पीपल, फॉरेन पीपल टू इन्वेस्ट। यस, सम क्वेश्चन हियर। तो सर मतलब ऐसा होता है कि जितना टैक्सेस लेंगे गवर्नमेंट उतना ज्यादा ग्रो कर पाएगी इकोनॉमी, और सर अगर मान लो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो भी इकोनॉमी श्रिंक ही हो रही है फिर अपनी। यू कम बैक टू योर क्वेश्चन, यू सेड जितना ज्यादा टैक्सेस। यस सर, मतलब जितना ज्यादा डेफिसिट रहेगा गवर्नमेंट के पास में, डेफिसिट और टैक्सेस अलग है। व्हेन आई से डेफिसिट दैट सिंपली मींस कि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इज लेस देन एक्सपेंडिचर, मतलब इसको आप ऐसे मानिए, टैक्स कलेक्शन ही मत बोलिए, आप इसको ये बोलिए कि गवर्नमेंट की इनकम, या गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू मेक इनकम, हम उसको बेसिकली कहते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बोलते हैं और रिसीट्स बोलते हैं, रिसीट्स गवर्नमेंट को जो मिल रहा है और जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इट इज गेटिंग, तो गवर्नमेंट जो रिसीट्स होती है
वो टैक्स भी होती है और नॉन टैक्स भी होती है। इंडिया में या किसी भी कंट्री में टैक्स सबसे ज्यादा होती है। नॉन टैक्स माने जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, BHEL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तो गवर्नमेंट को जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, वो वहां से डिविडेंड मिलता है, तो नॉन टैक्स, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ का, 1000 करोड़ लिखा है मैंने, 100 करोड़ का ले लेता हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट खर्च कर रही है 120 करोड़, तो इकोनॉमी 20 करोड़ से ज्यादा इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट के पास गया 100, गवर्नमेंट ने खर्च किया 120, तो इकोनॉमी में 20 करोड़ का फ्लो आ गया। अब ये सवाल उठता है, ये जो 20 करोड़ है ये है डेफिसिट। अब सवाल उठता है डेफिसिट आएगा कहां से, तो गवर्नमेंट शुड आइडियली, इफ दे डोंट वांट टू अफेक्ट योर इकोनॉमी, शुड गेट दिस मनी नॉट फ्रॉम विद इन द कंट्री, है ना, देश का ही पैसा ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, या अपना नोट इंटरनेशनल मार्केट से लाना पड़ेगा, इंटरनेशनल बाहर से लाओ और अपनी इकोनॉमी में लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये बाहर से या तो आप लोन लेकर लाओ, या बाहर से लोगों को बोलो, FDI को एनकरेज करो, विदेशियों को बोलो कि वो हमारे कंट्री में आके कारखाने लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, समथिंग लाइक दैट इज द पॉइंट हियर, उससे इकोनॉमी आपकी ग्रो कर जाएगी। इज दैट ओके तुम्हारा? यस सर। बट सर, अगर एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन भी है, पॉपुलेशन भी है, बट तो भी उनकी GDP इंक्रीज करने के बजाय श्रिंक करती जाती है, उसमें क्या होता है कि दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, एक बार उस पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में इट इज गुड टू हैव डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब किताब जो है, इन इकोनॉमीज के अच्छा है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है they can have a balanced budget. वो developed economy के लिए balanced budget अच्छा, ठीक है। So it is balanced budget can be in a developed economy, but developing and underdeveloped economy should have deficit budget. So it's considered good. Up main point क्या है, ये deficit को आप कहाँ से arrange करोगे? कहीं से तो लाना पड़ेगा पैसा, ऐसा तो हो नहीं सकता आप 120 करोड़ खर्च करो, है 100 करोड़ तो 20 करोड़ कहीं से तो लाना पड़ेगा। वो इसके भी कई सारी अलग अलग तरीके हैं। अब हर मेथड का अपना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। दोनों कोई आप नोट भी प्रिंट कर सकते हो, यू कैन प्रिंट योर करेंसी और यू कैन बोरो, दोनों के नेगेटिव हैं, दोनों के पॉजिटिव, तो बट दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस? Then I come to the question that was I was asked. इसमें किसी को कोई question पूछना है? तो basically government should be spending more than what it is collecting. The economy is said to be growing. Economy grow करेगी. Yeah. Any other question, please? दूसरा एक let me answer that question कि एक जो मुझसे पूछा गया differential taxation. अब सवाल उठता है गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, ये टैक्स जो है अलग अलग क्यों है? किसी चीज पे GST 5% है, किसी पे 10, 12, 8, 18, 14 जो भी है। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स सिस्टम से, पहली बात तो टैक्सेशन इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देखना है अपना। और गवर्नमेंट क्या करती है, इट लुक्स फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल वेलफेयर। ऐसा माना है, अब कितना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो बता, मैं अब थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में कितना हो रहा है दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। जनरल वेलफेयर वाला पॉइंट, उनको लगता है कि
सिगरेट स्मोक, अब आप देखिए सिविलाइज सोसाइटी के अंदर आप किसी की गर्दन पकड़ के ये नहीं कह सकते कि यू डोंट डू दिस। सिविलाइज सोसाइटी में क्या होता है, आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, आप यू कैन नॉट बैन थिंग्स। व्हाट यू डू, यू डिसइंसेंटिवाइज, डिसइंसेंटिवाइज। अगर आपको किसी चीज का कंजम्पशन कम करना है तो आप उसको डिसइंसेंटिवाइज कर दो, मतलब लोगों को डिस्करेज करो उसको यूज करने के लिए। यू डिस्करेज पीपल टू यूज दैट। उससे कैसे होगा, कैसे आप डिसइंसेंटिवाइज करोगे, इंसेंटिव का ऑपोजिट है ना, इंसेंटिव कैसे उनसे ले लोगे या उनको डिस्करेज कैसे करोगे, टैक्स, उसको प्राइस को बढ़ा के, प्राइस को बढ़ा, प्राइस को कैसे बढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट कैसे बढ़ा सकती है, टैक्स बढ़ा दे। तो गवर्नमेंट अगर किसी चीज के टैक्स बढ़ाती है तो वो कह रही है आपसे कि आप इसको मत कंज्यूम करो इतना। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिगरेट्स पे हर साल गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती आई है, इस वजह से आईटी, अभी की बात नहीं है, सालों से चला रहा है, मतलब सालों से मतलब 8-10 साल से तो आराम से, ज्यादा भी हो गया। एवरी ईयर जब भी बजट आता था तो गवर्नमेंट सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ा देती थी, इसकी वजह से आईटीसी वॉज फोर्स टू move from cigarette. ITC Indian Tobacco Company, वो कंपनी सिगरेट की है, उन्हें वो कहाँ कहाँ चली गई, वो आटा भी बनाने लग गई, वो कपड़े भी बनाने लग गई, विल्स क्लोथिंग क्लोथवेयर भी आ गए, वो सब काम करने लग गए। उनको लग गया है कि भाई हमको अगर टिकना है मार्केट में तो सिगरेट तो गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, सिगरेट के बिजनेस से तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने सिगरेट स्मोकिंग को डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए कि लोग कम खर्च करें उसके ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं, और टैक्स ज्यादा कर दिया तो बहुत महंगी होगी। एक तो ये, दूसरा तरीका ये होता है कि जो रेवेन्यूज हैं वो भी बढ़ानी, तो किसी चीज, एक तो ये, दूसरा अगर किसी चीज में गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे को रेवेन्यू के लिए इतना चाहिए लेकिन उसपे कम ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको फर्टिलाइजर जो है टैक्स लगाने के बजाय वो उल्टे और सस्ते देने पड़ेंगे, आपको लगता है कि जो आप कुकिंग गैसेस हैं वो और महंगे देंगे और सस्ते करने पड़ेंगे, तो आपको कई चीजों के दाम आपको कम करने पड़ रहे हैं। तो जब आपको कई चीजों के दाम आपको कम करने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पनसेशन के लिए ज्यादा भी लेना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि आपको जितना टैक्स चाहिए उतना चाहिए, तो यू मेक सर्टन थिंग कॉस्टली। जहां आपको लगता है कि ये चीजें लग्जरी हैं, लोगों के लिए उतनी इसेंशियल नहीं है लाइफ के लिए, पीपल कैन अवॉइड दिस, वहां आप ज्यादा टैक्स ले लेते हो, और जहां आपको लगता है कि नहीं पीपल शुड बी एनकरेज टू यूज मोर, तो देयर यू रिड्यूस द टैक्स। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन, और आप ये सब क्यों करते हो, मे बी टू बैलेंस इट आउट। सम टाइम गवर्नमेंट इस चीज में सक्सेसफुल हो भी पाती है, नहीं भी हो पाती होगी। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, एक फैक्टर ये भी होता है कि गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये इंडस्ट्री हमारे कंट्री के लिए अच्छी है, ये इंडस्ट्री नहीं है, तो यू वुड मे चार्ज टैक्सेस मोर ऑन दोज थिंग्स व्हिच यू फील आर नॉट दैट गुड फॉर द इकोनॉमी, एंड यू मे चार्ज लेस ऑन दोज व्हिच यू फील आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। तो सर, सर गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाती है, बट फिर वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज भी करना चाहती है। नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि इट कम्स विद अ लग्जरी, लग्जरी से ही हो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने का मतलब है नॉट ऑफ द अपर, देखिए व्हाट यू आर सेइंग कि लग्जरी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किनका इंप्रूव होगा, हु आर द अपर इनकम लेवल। एक इकोनॉमी के अंदर तीन कैटेगरी के लोग होंगे, लोअर इनकम लेवल, मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, और हायर इनकम। तो अब गवर्नमेंट को लगता है ये दिस क्लास इज जस्ट 10%, दिस इज से 40%, एंड से दिस इज 50%। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सबका बढ़ाना है, अगर वो लग्जरी पे बढ़ा रही है तो दे आर, वो यहां पे ये इनके लिए है, इनको डिस्करेज कर रही है। बट देन वो जो पैसा है इन पे टैक्स जो बढ़ा के, वो जो प्रोडक्ट इनको मिलना है जो ये खरीद रहा है, ये क्लास खरीद रही है, ये क्लास, उसको सब्सिडाइज करते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कितना इफेक्टिवली गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही है, उस बात में डिस्कस नहीं हो रहा। थियोरेटिकली
आइडियली इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, स्टेट माने गवर्नमेंट, जो इस वेलफेयर का जिसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, जो चाहती है जनरल भला, उसको ऐसा करना चाहिए, डिस्करेज हाई अर इनकम एंड दैट मनी जो उनसे आप ज्यादा टैक्स कर ले रहे हो वो आप लोअर पे दे दो। अभी अमेरिका में जो जो बिडेन बाइडन ने एक अपने असेंबली में कुछ ऐसा दिया था कि हम वो टैक्स जो है मैक्सिमम जो इनकम के पर उसने कुछ टैक्स वो बढ़ा रहा है, और उसने कुछ ऐसे स्पीच दी थी कि विल इंक्रीज दोस टैक्सेस एंड दैट मनी जो हम एक्स्ट्रा टैक्स खरीद रहे हैं सुपर रिच से या रिच से, दैट वुड हैव टू बी स्पेंड ऑन द लोअर क्लास। तो इसको दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो आप जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज टू इंक्रीज फॉर ऑल, ये इनका भी इनका भी इनका भी, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मैक्रो लेवल। तो इनको आप हो सकता है किसी चीज में डिस्करेज कर रहे हो, बट देन यू शुड बी एनकरेजिंग लोअर लेवल कि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, बिकॉज दिस लेवल मे बी फाइटिंग फॉर सब्सिस्टेंस। इनके पास जो बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान वाली प्रॉब्लम है हो सकता है वो भी हो, दे मे नॉट बी एबल टू गेट इनफ फूड शेल्टर, तो वो चीज को भी आपको देखना, अगर वो भी आप प्रोवाइड करते हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डज नॉट नेसेसरी इंप्लाइज हायर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी, मैक्रो लेवल इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, नॉट फ्रॉम मैक्रो लेवल, ऐसा है। ठीक, या एनी अदर क्वेश्चंस हियर? बट सर फिर मतलब ये यहाँ पे तो फिर रिच होने का ड्रॉबैक हो गया ना ये, but if you're rich then you have to pay more, you may say that the but wo lag tha theoretically lag raha hai, to government can discourage people to become super rich, yes it can, at wo baat sahi, आपको लग रहा है कि आप बहुत रिच हैं तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल, वो ठीक नहीं है। तो अब ये जो बात हो रही है कुछ सोशलिज्म की तरफ जा रही है, सोशलिज्म की तरफ, बट यस सर हाउ फार इट इज जस्टिफाइड और वो किस हद तक चाहिए वो एक आप एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर सकते हो। देखो सीधी सी बात यह है कि आप पूरी तरह से किसी भी क्लास को खत्म नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से आप हायर इनकम वालों को पूरी तरह से लोअर इनकम वालों को नहीं खत्म कर सकते, बट ओनली थिंग इज व्हाट यू कैन एट द मोस्ट डू इज कि जो डिस्पैरिटी है जिसको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको आप कम कर सकते हो। मतलब जो हाईएस्ट इनकम है और जो कंट्री की लोएस्ट इनकम है, ये जो है ये गैप रेंज स्टेटस की भाषा में कहें, ठीक है, इसको आप कम कर सकते हो। तो देयर वुड बी पीपल हु वुड बी रिच हायर इनकम, देयर वुड बी पीपल लोअर, लेकिन पता चला कि हायर के पास तो इतना है कि वो गिन ही नहीं पा रहे एंड लोअर के पास कुछ भी नहीं है। सो समथिंग लाइक दैट, ये गैप आप कम कर सकते हो इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू डू दैट बट नन ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू डू इट। तो जो आप कह रहे हो वो हायर इनकम को आप डिस्करेज कर रहे हो, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता, इट डज नॉट हैपन दैट वे, दे डोंट गेट डिस्करेज दैट मच, क्योंकि नन ऑफ द गवर्नमेंट इज एबल टू डू दैट मच व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो और ये डिस्करेज है, ठीक है, आई एग्री, ये थोड़ा सा इट इज डिस्करेजमेंट टू बिकम सुपर रिच। तो गवर्नमेंट वुड लाइक टू रिड्यूस दैट गैप बिटवीन द टू रिच एंड टू पुअर, वो गैप कम करने की कोशिश कर सकते। Yes, please. Any questions more? No, sir. So, for now, this is the discussion on economics. हम जो बात कर रहे हैं, basically what I was talking is the flow, money flow, and the real flow. हम इसको आगे थोड़ा सा और आपके अपना discussion करेंगे. किसी और को कोई question पूछना हो तो पूछ सकते हैं. So fine, I'm closing this. No more questions. मैं ये शीट आपको भेज रहा हूँ,
आपको शिट रीड करनी है, मेक श्योर दैट यू रीड द शिट, ठीक है? तो वो शिट आप रीड जरूर से कर।